तनवीर, तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं आपकी वार्ड के हालात और देखिए कितना जनजीवन प्रभावित है। यहाँ पर एक सुअर का पिल्ला आ गया हमारे घर में, पिग उसका क्या कर वो अरे यार ये बच्चे को गेट खुले आ रही है, क्या इसको हाथ लगाऊ क्या हो गया, मर जाएगा इसमें तो अब इसको उठा लेता हूँ, डर भी लग रहा है मुझे, क्या करूँ यार। काट तो नहीं देख रहे, अरे कुत्ते बहुत उठाया पर ये सुअर का पिल्ला नहीं उठाया ना मैंने आज तक, चिल्ला भी रहा था लोग। चलिए इसे मैंने यहाँ रख दिया है, अब मैं ताप्ती वार्ड क्रमांक 1 की ओर जा रहा हूँ। ये है मेरा निवास स्थान, ताप्ती वार्ड क्रमांक 1। अभी तो ये मेरे घर के दृश्य दिखा रहा हूँ मैं, आगे आपको ताप्ती वार्ड के दृश्य भी करवाऊंगा। इस तरह से ये समस्या हो जाती है यहाँ पर, और यहाँ के जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते, ये पूरे घर में पानी घुस गया है। ये समस्या ताप्ती वार्ड की है और ये है टीएस सोलंकी का निवास स्थान, पूरे घर में पानी घुस गया है। देख सकते हैं आप, अभी ताप्ती वार्ड की ओर जा रहा हूं मैं, संतरा मंडी की ओर, अगला कवरेज हम वहां से देखेंगे। अभी यहां के नगर पालिका के कर्मचारी यहां कोई भी देखने के लिए नहीं आए हैं, देखो अपनी मां से बिछड़ गया है, इसका वो क्या करे, नगर पालिका इस ओर भी ध्यान दे। पूरा कवरेज, अरे भाई साहब उधर नहीं उधर नहीं उधर नहीं, सीधे जाना पड़ेगा यहां से, बीचम बीच में जा, बीचम बीच में से थे ताप्ती वार्ड के। अब मैं छत्ता लगा लेता हूँ और आपको दिखाऊंगा दृश्य। अभी आपने मेरे घर के जो मेरा निवास स्थान है ताप्ती वार्ड में, वार्ड क्रमांक है, उसके दर्शन करें और बैक करना है नमस्कार मित्रों, मैं तन्वीर सिंह सोलंकी खोजी खजाना न्यूज से आज आपको दिखाऊंगा ताप्ती वार्ड के दर्शन की बारिश में कैसे हालात जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ के जनप्रतिनिधि और अधिकारी बहुत ही हल्के में लेते हैं, तो घरों के दर्शन भी कराऊंगा मैं। अभी तो मेरे घर के दर्शन करा दिए मैंने, यहाँ पर जीव जंतु भी परेशान है। अभी एक सुअर का पिल्ला, मैंने पहली बार सुअर के पिल्ले को हाथ लगाया, अभी सीढ़ी पर रख दिया है मैंने, ये वीडियो मैंने बना दिया है और मैं चलता हूँ अब ताप्ती वार्ड की ओर, वार्ड क्रमांक 1। ये है हमारे मोहल्ले के निवासी, क्या नाम है आपका, रमेश भाई और रिंकू जी है, और एक काका जी यहाँ फंस चुके हैं, तो मैं चाह रहा था कि एक श्रृंखला बनाई जाए। आइए हाथों से आओ इधर, आओ बीच में, आओ बीच में, आओ जाना है उधर की नहीं जाना है आपको, हाँ तो इधर हाथ पकड़ो रमेश भाई को, इधर रमेश भी हाथ पकड़ो, अरे हाथ बढ़ाओ, हाथ हाथ एक दूसरे का हाथ बढ़ाओ, अरे हाथ बनाओ ना, जब वहाँ पे अरे हाथ बनाओ, अरे हाँ अरे यार थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी अच्छी रखे हाथ थोड़ी, चलो हाथ पकड़ो काका का हाथ पकड़ो, और देखिए इस तरह से श्रृंखला बनाकर
और ये यादव जी ने हमारे आशीर्वाद लॉन के सामने एक दीवार खड़ी कर दी है जिससे पानी अवरुद्ध हो रहा है और परिणाम स्वरूप वो घरों में पानी घुस जाता है। ये देखिए पानी और इस तरह से श्रृंखला बनाते हुए बहुत ही समस्या का सामना करते हुए यहाँ पर देख सकते हैं आप लाइव ताप्ती वार्ड से। हाथ पकड़ो वहाँ, हाथ इधर मत देखो, चप्पल गिर गई निकालना। तो निकालो ना, मैं थोड़ा निकालूंगा भाई। और ये चप्पल अपने हाथों में लेते हुए, क्या नाम है आपका, नाम क्या है? सुरेश जी। हाँ चलो चलो, लो दूसरी चप्पल भी उठाओ हाथ में। और इस तरह से देखिए सहयोग करते हुए साथ ही हाथ बढ़ाना की तर्ज पर, हाथ पकड़ लो भाई साहब का, थोड़ा नशे पत्ती में भी लग रहे हैं मुझे। इस तरह देख सकते हैं आप। अब हम मेरे लिए भी लाइक और कमेंट से बनते हैं बड़ा झोंकी। ये देखिए आप, चलना मुश्किल है यहाँ पर और ये घबराहट। चलिए आपको लेता हूँ, लिए चलता हूँ संतरा मंडी की ओर। और ये है हमारे स्कूली छात्र, बताइए भाई आपकी समस्या, क्या नाम है आपका? सुफियान, मोहम्मद सुफियान। कैसा लगा यहाँ का नजारा? कोई सुझाव आपके लिए? इसको थोड़ा पढ़ाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं हम। ये हनुमान मंदिर की प्रथम गली है, ताप्ती वार्ड क्रमांक एक की। स्कूली छात्र यहाँ से आ रहे हैं और ये देखिए घरों में पानी घुस रहा है पूरा एकदम। और ये माता जी है हमारे पास में, क्या नाम है माता जी आपका? गुल्फा अटलेरे। गुल्फा अटलेरे, क्या समस्या? घरों में पानी घुस रहा है? घर में पानी घुस गया हमारे। ये कितने 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 सालों से घुस रहा है? ये बहुत सालों से घुस रहा है। तो अभी चुनाव हो चुके हैं, नए पार्षद भी आने वाले हैं, उनसे आपकी क्या मांग है? हमारी यही मांग रहेगी कि हमारे मोहल्ले में पानी न घुसे किसी के घरों में। चलिए अच्छे से नाली वगैरह की व्यवस्था। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो देखिए समस्या यहाँ बहुत बड़ी है। अभी हनुमान मंदिर की ओर से मैं जा रहा हूँ ताप्ती वार्ड की ओर। ये जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ का नजारा है। ये हमारे यहाँ आ गए मुन्ना चाचा जी, उनके बेटे और यहाँ पे उनके परिजन। मोटर से पानी निकाला जा रहा है यहाँ पर। हमारे कैमरामैन देखिए नजारा, देख सकते हैं लबालब पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ पर। ये पहली रोड है यहाँ पर, वार्ड क्रमांक एक ताप्ती वार्ड। बुजुर्ग आदमी यहाँ पर चाय पीते हुए, पूरा घर यहाँ पर देखो लबालब भरा हुआ है। अंदर में पूरे कमरे हैं। एक माता जी हमारे साथ में है, आप यहाँ सामने आएंगे थोड़ा सा। समस्या बताइए, पीछे से ये छाता पकड़ोगे आप थोड़ा सा मेरी। तो क्या नाम है माता जी आपका? क्या समस्या है बताएंगे? समस्या तो दिखी रही है। सर ये ताप्ती वार्ड का गली का पानी है, पूरे नाले का पूरे अंदर में भरा जाता है, पूरे कमरे भरा गए हैं। चलिए वो तो हमारे घर में भी, मैं भी भरा गया, मैं भी यहीं का निवासी हूँ और खोजी खजाना न्यूज का पत्रकार भी हूँ। तो अभी चुनाव हो चुके हैं, नए पार्षदों का चयन होगा, तो जो पार्षद जीत कर आएगा उससे आपकी क्या मांग है? ये समस्या हल करे। चलिए आपकी बात पहुँचा दी जाएगी खोजी खजाना न्यूज से। अभी आगे की ओर चलते हम, देखिए किस तरह से यहाँ पर पानी इतना घुस गया है। मैं समझ सकता हूँ आपकी समस्या। मेरे साथ में यहाँ पर क्या नाम है आपका? भानु प्रताप सूर्यवंशी। भानु प्रताप जी छत्ता लेके मेरे साथ में चल रहे हैं और एक नजारा और दिखाएंगे आप। पानी इस कदर और ये पन्नी, पानी इस कदर यहाँ पर ताप्ती वार्ड में प्रवेश कर चुका है कि आप देख सकते हैं मोटर के माध्यम से, मोटर के माध्यम से भी पानी यहाँ निकाला जा रहा है, देख सकते हैं आप। क्या नाम है माता जी आपका? क्या समस्या हो रही है आपको? अभी हमारे घर में पानी घुस गया पूरा। अभी नया पार्षद का चुनाव है, नए अध्यक्ष भी पार्षदों में से चुने जाएंगे। हाँ। उनके लिए आपकी क्या मांग है? क्या मांग है हमारी समस्या? घर में पानी घुस रहा है। चलिए ये आपकी समस्या त्वरित रूप से देख सकते हैं आप।
किस तरह से यहाँ पर मोटर लगाकर घरों से पानी निकाला जा रहा है। और ये निवास देखिए, के एल कावड़े जी का निवास है। देखिए किस तरह से इनने यहाँ पर पानी को का अवरोध बना के रखा है, और बहुत कम मात्रा में पानी जा रहा है, लेकिन पानी तो जा ही रहा है। स्कूली छात्र यहाँ से गुजर रहे हैं। आइए चलते हैं ताप्ती वार्ड की दूसरी गली में, जो हनुमान मंदिर के दूसरी तरफ है। ये देखिए पूरा लबालब पानी, और यहाँ ऊपर भी बारिश का आनंद लेते हुए कि कहाँ कहाँ पानी घुसा है। हमारे अमित भाई पानी भर गया तो ऊपर आ गए। चलिए अभी ताप्ती वार्ड की ओर जा रहा हूँ मैं, ये हमारे अधिकारियों को कवरेज देने के लिए। और यहाँ कृष्ण मेमोरियल हॉस्पिटल की एक नर्स हमारे साथ में, तो आप निकलना चाहें, कैसे निकलोगे आप उधर से? यहाँ तक ही जाना है। कहाँ निवास है आपको? जीतकर वहाँ साहब। अच्छा यही जाना, इसी गली में जाना है क्या? हाँ जा सकते फिर आप। ठीक है चलो वहाँ साहब उधर कवरेज लेने के लिए। ये देखिए पूरा, मुझे लगता है कि इसी गली में मैं रह जाऊंगा और अगली गली में नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि इतना पानी है। लेकिन फिर भी आप लोगों को समस्या बताते हुए, ये देखिए पानी कहाँ तक आ चुका है। आपके घर का भी दिखा देते हैं। ये देखिए पूरा पानी अंदर घुसा हुआ है। ये स्कूली बच्चे छोटे छोटे, ये मोटर से यहाँ पानी, देखिए दूसरा मकान जहाँ पर मोटर के माध्यम से पानी निकाला जा रहा है। ताप्ती वार्ड क्रमांक 1, घरों के अंदर पानी घुसा है। घरों के अंदर यहाँ बुलाया जा रहा है कि कितनी समस्या है यहाँ पर। देखिए पूरा घरों में पानी घुसा हुआ है। ये देखिए ताप्ती वार्ड के ये हालात है। अभी ये हनुमान मंदिर की गली में हूँ मैं। ये सौदागर जी का मकान है। देखिए पूरे घरों में यहाँ पानी घुस गया है। अभी एक ही गली के हालात है ये। अभी दूसरी गली में मैं पहुंच रहा हूं, लेकिन खोजी खजाना न्यूज जिस तत्परता से काम कर रहा है। ये देखिए भगवान का घर है और नीचे पानी, और इधर बहुत समस्या है। अभी चुनाव हो चुके हैं, नए पार्षद नए अध्यक्ष का गठन होने वाला जा रहा है, तो आपकी क्या मांग है? अगर अच्छा पार्षद है तो बहुत अच्छा है, और नहीं है तो हमको तो अगली बार वोट भी नहीं डाले। चलिए ये समस्या है यहाँ पर श्रीमती सौदागर जी की। चलिए आगे लिए चलता हूँ मैं आपको मंडी की ओर, दूसरी गली में। नाम है आपका? आकाश। कहाँ के निवासी हैं आप? संतरा मंडी ताप्ती वार्ड। क्या समस्या है यहाँ पर अभी? पानी बहुत ज्यादा है, अभी हमारी तरफ भी बहुत ज्यादा होता है। चलिए सभी समस्याओं से परेशान है। क्या नाम है माता जी आपका? चलिए क्या समस्या है आपकी? घर के अंदर पूरा पानी भर गया। चलिए चलते हैं अब दूसरी गली की ओर। ये हनुमान मंदिर की ओर मैं आ चुका हूँ, और ये है प्रांगण हनुमान दादा का। अब यहाँ हनुमान जी भी अतूचे नहीं है। यहाँ पर भी देखिए हनुमान मंदिर में भी यहाँ पर पानी अंदर तक चला गया है। वार्ड क्रमांक 1 ताप्ती वार्ड, स्कूली बच्चे। क्यों भैया क्यों नहीं जा रहे आप उधर? भाई साहब क्या नाम है आपका? उधर क्यों नहीं जा पा रहे आप? तो ये पानी के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? वैसे ज्यादा अच्छा तो आप जानते हो। चलिए तो चलते हैं दूसरी गली की ओर। और ये देखिए तालाब बन चुका है हनुमान मंदिर के बाजू में, मिनी तालाब। अब ये गाड़ी यहाँ से निकलेगी। ये देखिए हनुमान मंदिर है ये
बाबा के मंदिर में देखिए, हनुमान जी के मंदिर में पूरा पानी प्रवेश कर चुका है। नमस्कार मित्रों, ताप्ती वार्ड क्रमांक 1 से मैं तनवीर सिंह सोलंकी आपको दिखा रहा हूं इस वार्ड के हालात लाइव। घुटने घुटने पानी तो यहां भरा हुआ है, साथ में घरों में भी पानी घुस गया है। जनजीवन तबाह, लोगों के घर में सांप बिच्छू घुस रहे हैं और ये कई सालों से हो रहा है, ये आज की बात नहीं है। आइए ले चलता हूं मैं आपको दूसरी गली की ओर। ये है हनुमान मंदिर वाली रोड की जो आप देख रहे थे। अब इसके बाद में हम चलते हैं इसी के पीछे दूसरी गली की ओर, ताप्ती वार्ड। नमस्कार मित्रों, खोजी खजाना न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ में मेरे सहयोगी है सचिन भंडारी जी। अभी मैं हनुमान मंदिर की दूसरी गली में आ रहा हूं। यह है वार्ड क्रमांक 1 ताप्ती वार्ड। आइए जानते हैं समस्या यहां के रहवासियों से। चलिए ये आगे बढ़ती हुई। ये अभी आपने पहली गली का हाल देखा हनुमान मंदिर की ओर से। ये देखिए किस तरह से एक बाहुबली पानी घर से निकालते हुए, और इनके घर में क्या नाम है भाई साहब आपका? रमेश पवार। कहाँ है निवास स्थान आपका? आगे अभी ये किसका घर है यहाँ पर? कृष्ण कुमार सोनी जी का घर है। आप देख सकते हैं पूरा परिवार लगा हुआ है पानी बाहर निकालने में। वार्ड क्रमांक 1 ताप्ती वार्ड। अच्छा भाई साहब, यहाँ पे चुनाव हो चुके हैं अभी नया अभी अभी मैं नए चुनाव की बात कर रहा हूँ। अभी नए पार्षद आएंगे, नए अध्यक्ष आएंगे, तो आपकी क्या मांग है? चलिए हाँ, एक सुझाव, ये पानी को कैसे हम घर में आने से रोके? और मैंने समस्या ये भी देखी खोजी खजाना न्यूज से कि आप लोगों ने नाली बनाने के लिए जगह नहीं छोड़ी थी, सच बात है? नहीं नहीं, हमारी दोनों तरफ आगे पीछे दोनों तरफ है। आपकी छुट्टी है और जो है यहाँ पे अन्य मकान है सबकी छुट्टी है। चलिए, और पहले की नाली बन के फिर बंद हो गई ये, तो आप यहाँ खड़े हो ना वह नाली जमा। चलिए, ये क्या नाम था आपका? कृष्ण कुमार सोनी जी का निवास स्थान था। अभी अपनी और वेदना बताना चाहते हैं लेकिन मुझे पूरे वार्ड की समस्या सुननी है, तो आपकी बात पहुंचा दी जाएगी शासन प्रशासन तक। अभी मैं आगे की ओर चलता हूं। और यहां पर हमारे नए पार्षद, अभी तो चुनाव का भी परिणाम आया नहीं है, अभी इन्होंने कुछ वादे भी किए थे, तो हमारे साथ में आदरणीय श्रीमती निर्मला उबनारे जी यहाँ उपस्थित है, आदरणीय रामा उबनारे जी की धर्मपत्नी। तो आइए उनसे बात करते हैं। अभी चुनाव ये जीते नहीं है लेकिन मुझे देखने में यह आया कि ये अभी खैरियत पूछने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। बताइए माता जी, आपका नाम? निर्मला उबनारे। क्या समस्या आपके वार्ड में? पूरे घरों में पानी भर गया है। तो अभी अभी तो आप चुनाव जीते भी नहीं है और देखने के लिए आ गए। हाँ। तो आपने क्या क्या वादे करे हैं जनता से? बस नालियाँ, पानी और रोड, सारी समस्या हल करना है। चलिए, पूरे सारी समस्या जो है अपन को हल करना। पर मुझे देख लीजिए, मुझे इस बात की खुशी है कि आप देखने आए कम से कम। हाँ। अभी आपने चुनाव जीता भी नहीं है, परिणाम अभी आने के हैं। नहीं नहीं। तो ये थी निर्मला जी, कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी। चलिए आगे चलते हैं हम अभी। और ये हमारे कदम बढ़ते हुए आगे की गली की ओर, एक घर यहाँ पर और आया है। यहाँ क्या नाम लिखा यहाँ पर? जी करके कुछ है। और ये देखिए पूरा पानी यहाँ पर घर में। देखो जरूरत नहीं है उसकी, रेनकोट पहना तुम्हें ऑलरेडी। ये देखिए घुटने भर पानी। और ये घर एक किसका घर है ये? नमस्कार भाई साहब। अरे तो मैं पार्षद नहीं हूँ ना भाई, मैं तो एक पत्रकार हूँ जागरूक। ये तो हर साल होते आ रहा है, कितने सालों से घरों में पानी घुस रहा है? 5 साल 10 साल ज्यादा ही हो गए। चलिए, क्या नाम है आपका? ये है सतीश बेले जी का मकान। अभी चलते हैं आगे।
ये देखिए पूरा और ये जहाँ तक ये व्हाइट दिख रहे हैं व्हाइट सुअर, इन्हीं का बच्चा शायद मेरे घर तरफ आ गया। अब इनको बच्चे को कौन पहुँचाएगा यहाँ पर बताइए। आपका नाम? कुसुम अग्रवाल। कुसुम अग्रवाल, तो यहाँ के मंडी के हालात कैसे? आपकी सहेलियों के यहाँ पर, आपकी जो यहाँ पे सहयोगी है, पड़ोसी है, बुरे भैया सबके घर में पानी घुस रहा है, जमीन तो तेज पानी है, कमर कमर पानी में, पूरी नाला बनाया मैंने अकेले ने। सांप बिच्छू भी आ जाते हैं बोले? सांप भी आ जाते हैं ना, अभी सांप आया था तैर रहा था, फिर भी मैंने नाला बनाया फावड़े से गैची से। तो अभी अभी देखिए चुनाव हो गए हैं, नए पार्षद का भी गठन होना है, जीत के आएंगे वो, और अध्यक्ष भी आएंगे नए वाले, तो उनसे आपकी क्या मांग रही है? नाला बनवाना भैया, एलसीएल यानी सीधा नाला करवाना है, और उधर वो बैंक के पास जो नाला बंद किया ना उसको भी खुलवाना है सीधा। चलिए आपकी बात पहुंच जाएगी खोजी खजाना न्यूज से, आपकी बात शासन प्रशासन नगर पालिका तक पहुंच जाएगी। अभी हम आगे की ओर चलते हैं, आप देख सकते हैं ये संतरा मंडी की ओर जाता हुआ मुख्य मार्ग है, दूसरी गली से मैं वापस आ गया हूँ क्योंकि तीसरी गली में बहुत ज्यादा पानी है। और एक समस्या दिखाने के लिए आया था मैं कि क्या समस्या चल रही है। यही वो स्रोत है जहां से माँ ताप्ती सरोवर जिसमें पानी आता है, देखिए यहां से नाला यहां से खत्म हो गया पूरी तरह से, ये नाली से यहां पर आपको थोड़ा बड़ा नाला देखने को मिलता है जिससे पुण्य सलीला माँ ताप्ती का सरोवर भरता है। वार्ड क्रमांक एक ताप्ती वार्ड, देखिए नरो ये जो नाला है वहां से भी ओवरफ्लो होकर पानी घरों में घुस रहा है इस तरह से, बहुत कम हो गया, बहुत ज्यादा था। देखिए अभी मैं हर बार ये चीज उठाता रहा हूं विगत 10 सालों से कि जब बरसात आने से पूर्व ही मैं सचेत करता हूं फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से, और साथ ही मेरे अन्य पत्रकार भी यहां पर सचेत करते हैं नगर पालिका को कि इसका नहरीकरण और गहरीकरण होना चाहिए। देखिए आप इसी तरह से घर में पानी जा रहा है और अभी आगे की ओर बढ़ती हुई हम ये देखिए यहाँ गुहार घरों में पानी यहाँ घुस चुका है। जिस ओर से मैं आया था उसी ओर से वापस अपने घर की ओर, खोजी खजाना न्यूज का यह कवरेज है। हमारा कवरेज पसंद आया हो तो सभी मुल्ताई वासियों से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये समस्या जन जन तक जाए और नगर पालिका तक जाए, हमारे प्रशासन तक जाए, हमारे अध्यक्ष तक जाए। देख सकते हैं ये भी लगातार पानी बह रहा है। और पकड़िए इसको, और ये पानी अब थोड़ा उतर गया है, पहले ये यहाँ ऊपर तक था पानी और यहाँ पर एक किल्ला मैंने छोड़ा था, अभी भी अपनी माँ से बिछड़ा हुआ किल्ला है ये, अब इसको वहां तक कैसे पहुंचाए ये समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए पूरा कीचड़ से घर सना हुआ, और नगर पालिका यहाँ टैक्स लेता है तो मैं समझता हूँ कि प्रत्येक घर में जाकर उन्होंने ये सफाई करनी चाहिए, नहीं तो मकान टैक्स नहीं लेना चाहिए। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पर पार्षद चुनाव हेतु खड़ी हुई थी महिला निर्मला जी, अभी चुनाव जीती नहीं है लेकिन जनता का दुख दर्द बांटने के लिए वो आई है, तो आइए घर देखना चाहती है वो। और ये सोलंकी जी के निवास स्थान पर तो आप अभी चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहले आपकी नाली सबकी समस्या हल करूंगी। अभी आपने कहा था अगर मैं नहीं भी जीतती हूँ तो भी काम करूंगी, रोड का भी नाली का भी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप देख सकते हैं अंदर जाकर।
और यहाँ पर सर्वे करती हुई हमारी प्रत्याशी जो कि चुनाव में खड़े हुए थे, अभी चुनाव के परिणाम तो भी आना बाकी है। यह है ये सुअर का बच्चा, उसकी माता के बाद छोड़ देते इसको, हम गाड़ी पे ले जा रहे हैं इसको अभी। बना वीडियो जूम कर और देखिए भैया, वो बच्चा जो आया था उसको वापस उसकी मम्मी के पास छोड़ दिया है। वो जी खजाना न्यूज से तनवीर से सोलन।